अब हम एक नए सेक्शन का आगाज करते हैं और ये सेक्शन है वर्डप्रेस सेटिंग्स तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड इज द कंट्रोल सेंटर उसी तरह जो सेटिंग्स वाला एरिया है दैट्स द ब्रेन ऑफ वर्डप्रेस। और ये वो एरिया जिससे आप वर्डप्रेस की काफ़ी ज़्यादा फीचर्स या सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं कीप इन माइंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सेटिंग्स एरिया और ये मैं ख़ास तौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अगर आप कोई भी सेटिंग यहाँ पर चेंज करते हैं यू कैन मेक और ब्रेक योर वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर चेंज ना करें जिसका आपको आइडिया ना हो इनफैक्ट सेटिंग्स एरिया में सिर्फ जाएँ उसको देखने उसको समझने के लिए बट मोस्ट ऑफ द केसेस डू नॉट चेंज एनी सेटिंग ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके पास फोन या लैपटॉप होता है उसकी आप कोई सेटिंग चेंज कर देते हैं और वो खराब हो जाता है वर्ड भी ख़राब हो सकता है सो बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड प्रेस सेटिंग्स एरिया द वन पोर्शन इन द वर्ड सेटिंग्स एरिया इज द जर्नल पोर्शन जर्नल पोर्शन में आप अपनी साइट का लिंक अपना ई मेल यू आर एल टाइम और इस तरह की दीगर चीजें चेंज कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं इसके साथ साथ यू हैव द रीडिंग एरिया यू कैन चेंज कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट आखिर नजर कैसे आएगी और एक चीज जिसको हम आर कहते हैं आर एस फीड वो वहां पे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं उसके अलावा आप डिस्कशंस जिस तरह कमेंट्स हैं उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं कि वेदर आप लोगों को अलाउ करना चाह रहे हैं कमेंट्स के लिए या नहीं दैट्स अनदर ऑप्शन दैट यू हैव इन द प्रेस सेटिंग्स एंड अनदर सेक्शन इज अबाउट मीडिया आप किस तरह की फाइल दिलाओ करना चाह रहे हैं लोगों को अपलोड करने के लिए और इमेजेस हो पी डी एफ हो दिस इज वेर यू कैन चेंज एंड कंट्रोल ऑल द मीडिया सेटिंग्स एंडर वन इज परमालिंगेवरेट एरियाज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम आपको इसके बारे में बताएंगे भी परमा लिंक्स होते क्या है दिस इज द लिंक ऑफ योर पोस्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस सी ओ टीच यू मोर अबाउट ऑल दी सेक्शंस यू कैन एक्सेस ऑल दी सेक्शंस फ्रॉम द सेटिंग्स एरिया अब हम एक्सप्लोर करेंगे वर्ड प्रेस की सेटिंग्स को अपनी वेबसाइट का यू आर एल टाइप करके वेबसाइट को खोल लें और वहां से आप लॉग इन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर जाने के लिए सो so, जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पर लॉग इन करेंगे यू कैन एक्सेस द सेटिंग्स एरिया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक सेटिंग्स एरिया है आप इस पे क्लिक करें जर्नल पे एंड देर गेट ऑल द दैट यू नीड टू कंट्रोल योर वेबसाइट सबसे पहले ऊपर साइट साइट टाइटल टाइटल आपकी का क्या है मेरी साइट का टाइटल है डीजी स्किल्स विद साद हामिद टैगलाइन यहाँ पे आप टैगलाइन भी चेंज कर सकते हैं ये एक डिफॉल्ट टैगलाइन है जो वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है जस्ट एन अदर वर्ड साइट बट आई वॉन्ट इट टू be something new, so I will say creating new opportunities. यहां पे आप अपनी साइट का टैगलाइन भी चेंज कर सकते हैं यू कैन चेंज योर ईमेल एड्रेस यू कैन चेंज द मेंबरशिप अगर आप रजिस्ट्रेशन ने इनेबल करना चाह रहे हैं आप साइट की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं और लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप कोई नई लैंग्वेज एड करना चाह रहे हैं सो वर्ड प्रेस गिवस यू दुनिटी टू डू दैट हियर एज वेल साथ साथ आप अपनी टाइम जोन चेंज कर सकते हैं सो टाइम जोन की जब मैं बात करूं तो आई वॉन्टेड टू बी जोन ऑफ पाकिस्तान तो मैं देखूंगा अगर मुझे कराची की ऑप्शन देता है और कराची की ऑप्शन इसने मुझे दे दी सो आई हैव चेंज द टाइम जोन आई कैन चेंज द डेट फॉर्मेट एज वेल ये सारा कुछ करने के बाद आई जस्ट हैव टू क्लिक सेव चेंजेस एंड द सेटिंग्स ऑफ माई वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट विल बी अपडेटेड आपको नजर भी आ रहा है कि इसने मुझे दिखाया है कि सेटिंग्स हैव बीन राइटिंग पे आप जा सकते हैं राइटिंग के सेक्शन में आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि आप डिफॉल्ट कैटेगरी सिलेक्ट करें पोस्ट या ईमेल करें या अपडेट सर्विसेज के लिंक्स डालें अपडेट सर्विसेज क्या है अपडेट सर्विसेज एक ऐसा सेक्शन है जिधर आप डिफरेंट लिंक्स डाल सकते हैं उनको बताने के लिए कि योर साइट हैज बीन अपडेटेड तो अगर आपने गूगल को बताना है कि गूगल मेरी साइट अपडेट हो गई है तो यू कैन एट गूगल डॉट कॉम हियर सो दीज आर अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट सर्विस विच विल ऑटोमेटिकली गेट अ पिंग और अ नोटिफिकेशन दैट योर साइट हैज बिन अपडेटेड रीडिंग पे आप जाके अपनी साइट की डिफरेंट और ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं कि साइट पे कितनी पोस्ट को दिखाना है कितने आइटम्स को दिखाना है फीड में फुल टेक्स दिखाना है समरी दिखाना है वो भी आप यहां पे चेंज कर सकते हैं डिस्कशन में यू कैन चेंज योर साइट एंड योर साइट रिलेटेड कॉमेंट्स एंड ऑल दीज ऑप्शन इसको एक एक करके जाके पढ़ें देखें कि क्या आप चेंज करना चाह रहे हैं किसको आप इनेबल करना चाह रहे हैं याद रखें कि अगर आप टिक मार्क लगाएंगे तो दैट मीन्स यू हैव इनेबल्ड इट और अगर आप टिक मार्क uh, लगा के नहीं रखेंगे दैट मीन्स यू हैव डिसबल दैट ऑप्शन सो ये कुछ ऑप्शन हैं अगर आप कुछ की वर्ड्स को ब्लैकलिस्ट करना चाह रहे हैं वो कॉमेंट्स uh, में आप यहाँ पे एड कर सकते हैं उसके अलावा मीडिया की एक ऑप्शन है मीडिया में जाके आप देख सकते हैं कि अगर आपने थंबनेल्स की कोई एक ऑप्शन रखनी वो आप रख सकते हैं इमेजेस की ऑप्शन रखनी वो रख सकते हैं बट माय फेवरेट वन इज परमालिक्स परमालिंक्स क्या है परमालिंक्स आर द लिंक्स ऑफ योर वेबसाइट तो आपकी वेबसाइट का एक सर्टन स्ट्रक्चर होगा जो आपको नजर आ रहा होगा दैट यू कैन चेंज इन परमालिंक्स और अगर मैं चाहूंगा तो मैं इसको प्लेन कर सकता हूं जिस तरह मैं यहां पे करने लगा हूं एंड आई कैन क्लिक सेव चेंजेस सेटिंग्स को सीखने का बेस्ट तरीका है कि सेटिंग्स को ट्राई किया जाए और मैंने आपको बताया तो था शुरू में कि बी वेयर वेन यू चेंज योर सेटिंग्स बिकॉज इट कैन मेक और बेक वेबसाइट बट बिकॉज यू आर ट्राइंग जीरो 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 वेब होस्ट सो आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपकी साइट खुदाना खास्ता चलने में बंद भी हो जाती है सो so आप साइट को रीइंस्टॉल कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ टेस्ट वेबसाइट सो so, सेटिंग्स के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें हमारे हेल्पफुल लिंक्स जो हम आपको देंगे उससे भी पढ़ें और जाके स्टडी करें कि सेटिंग्स के एरिया में क्या क्या नई चीज़ें हैं जिससे यू कैन मेक योर साइट मोर एफिशेंट यू कैन मेक योर साइट मोर एजाइल यू कैन मेक योर साइट मोर यूजफुल तो सेटिंग्स को जाएं, एक्सप्लोर करें और नेक्स्ट uh, लेसन में वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट वर्डप्रेस फीचर्स एंड द डिफरेंट फीचर्स दैट वर्डप्रेस हैज़